नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। और हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल, जैसे पहले आपको भी पता है कि मैं समरी शीट पे जाता था, फिर 5 शेयर देता था और आपको एक शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करता था। टेक्निकल मतलब एक शॉर्ट टर्म में कि आप क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो देख सकते हैं और आपको उस पर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो शीट है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट रखे हैं। एक समरी शीट जो करता था, आज के 5 शेयर वो भी दूंगा, और जीटीटी शेयर भी मैं शेयर कर देता था कभी कभी कि कौन कौन से शेयर मैंने जीटीटी में लगा दिए, यानी जो अप्रोक्सीमेटली 10% के पास आ गए हैं और मुझे उनको, मतलब 10% पास नहीं, मुझे जिनको बेचना है, और तो मैं उनकी उस प्रॉफिट पे मैं अपना लगा देता हूँ जीटीटी। अगर जीटीटी आपको एक टर्म है, अगर आपको पता है कि नहीं पता, शेयर मार्केट में खासकर जीरोधा में, जहाँ पे आप अगर एक प्राइस लगा दें तो उसके ऊपर ही वो बिकेगा, ठीक है। जैसे उस प्राइस पे आएगा वो आप बेच सकते हो, और उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस भी दिखाऊंगा कि इस महीने एक्चुअली अभी सब एवरेज आउट किया है मैंने कुछ, तो आपको उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिखेगा ये मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस, बट मैं वो भी आपको दिखाते जाऊंगा कि मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना बनाते जा रहा हूँ, ओवरऑल मेरा ओवरऑल कितना लॉस है, मैं इस महीने में कितना बना रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक स्टॉक एनालिसिस कर लेंगे, देखेंगे कि कौन से अगर 5 स्टॉक इन 5 स्टॉकों से कोई एक। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हमें इसमें से, अगर आपको ये पूरे एक ही चीज़ में बोलना चाहूँगी, ये पूरे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो आप शेयर मार्केट में वही पैसा डालिए जो आपको यूज ना हो, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की समरी पे, राइट। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो काफी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शेयर करते हुए हैं, तो आज के ये पूरे शेयर मैंने कल, मतलब पिछली बार वीक वाले भी जो शेयर थे, जो 5 महीने लिए थे लास्ट, उनको ऐड कर दिए थे 15 जुलाई को, और एल्केलाइन 5 थे, उसमें से एक कॉमन था तो उसको उठा के ऊपर कर दिया है। यहाँ पे एल्केलाइन, एस्ट्राजेन, एयू बैंक एंड माइंडट्री दोनों आ गए हैं। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इन एल्केलाइन मेरे पास पहले से था, उस दिन 2 खरीदा था और 2 मैंने लिया था, तो उसके कारण वो -12% है। बाकी एस्ट्राजेन, एयू बैंक एंड माइंडट्री ने 2% का, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% तक का गेन किया है। तो अब हम जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सबसे टॉप के शेयर कौन हैं और सबसे लोवेस्ट कौन से हैं। एक चीज़ और है मैंने ऐड किया है कि मैं जब से जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रहेंगे उनको भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके अगर उनको ऐड कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसको भी मैंने लिया हुआ है, राइट। तो आज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा IDFC बैंक सबसे ज़्यादा निगेटिव है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो जो बाइंग मेरी प्राइस है वो मेरी अभी की, जब से ये सीरीज शुरू की है, तो मैंने उसमें प्रॉफिट गेन किया है, बट मेरे पास पुराना स्टॉक था IDFC फर्स्ट बैंक का जो कि काफ़ी हाई प्राइस पे था, इसके कारण मुझे ये टोटल ओवरऑल 38% का निगेटिव आ रहा है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, IDFC फर्स्ट बैंक इज डूइंग वेरी गुड और काफ़ी एग्रेसिव है, तो जरूर वो रिकवर कर लेगा अपना प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि टॉप के मेरे पॉजिटिव स्टॉक कौन से हैं जो टॉप में 10% के पास पहुंच रहे हैं। आप देखो क्योंकि इट्स अ वाव फैक्टर, लाइक 3 स्टॉक ऐसे हैं जो 9% के पास पहुंच गए हैं। एक्चुअली ये अगर आप शेयर मार्केट में, अभी हम लोग एक्सेल में जो फॉर्मूले लगाते होते हैं परफेक्ट, मैं फॉर्मूले में परफेक्ट नहीं हूँ तो उतना नहीं हो पाता है, बट वहाँ पर वो 10% क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ जैसे वहाँ 10% प्रॉफिट पे पहुँचेंगे तो मैं उसका GTT लगा दूंगा। तो आज इंडस्टायर पहुंचा था ऊपर 10% के ऊपर, बट वो वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसीलिए मैंने अभी तक उसके ऊपर शायद GTT नहीं लगाई है, बट देख लेंगे कि GTT। ज्योति लैब, एशियन एंड इंडस्टावर, ये तीनों स्टॉक आज के टाइम पे 10% हो गए। अब देखेंगे इन्होंने कितने दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 9% का एवरेज आउट किया है, 21 दिन, 19 दिन और 18 दिन, इतने दिनों में ही इन्होंने अभी 9% के करीब आ गए हैं। और आप देखेंगे तो ज्योति बैंक एकदम शुरू में पहला स्टॉक था, पहले लॉट में लिया हुआ स्टॉक था, तो कोई बात नहीं है, चले। तो ये पॉजिटिव नोट है कि ये हमारे कुछ स्टॉक अब आ रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि 1-2 दिन में या इस वीक में 1 या 2 स्टॉक हमारे पूरे लिस्ट से खत्म हो जाएंगे, जो कि MRPL एक पहला था, उसके बाद काफी आए, तो चांसेस हैं कि बाकी भी घट जाएंगे। तो अभी हम इसमें रहने देते हैं और अपना ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं कि कितना हो गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टॉक ने, मतलब पिछले वीक में और आज भी काफ़ी है, तो आज का जो हमने ऐड किया जब एवरेज आउट प्राइस प्लस उसके, हो सकता है 1-2 गड़बड़ भी कर दी हूँ, लेकिन जहाँ तक है 99% मैंने सही किया है, बट मार्केट इतना अच्छा गया है कि अभी ये 3% पे आ गया टोटल, मैं टोटल बात कर रहा हूँ, टोटल स्टॉक लिए हुए अभी जब से सीरीज शुरू हुई तब, जबकि उसमें से कई स्टॉक निगेटिव में थे जो पुराने थे, और उसके बावजूद
इसने अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे इन्होंने एवरेज आउट -3 पॉइंट पे आ गया है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हम, चलो चेक करते हैं कि आज के स्टॉक कौन से हैं। आज के स्टॉक मेरे पांच जो हैं वो हैं अदानी, बेल, जीएम पॉफिडला एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रिलायंस। तो आप देखेंगे ना, अदानी ट्रांसमिशन 1 लिया है मैंने, बेल लिया है 4, जीएमएम लिया है मैंने 1 नंबर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने लिया 30। एक्चुअली थोड़ा कम ले सकता था बट मेरे को एक एवरेज आउट 1000 रुपीज का ले लेना था कि 1000 रुपीज का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रिलायंस का तो रिलायंस ONGC आपको मालूम है कि रिलायंस तो मैं हमेशा लेता रहता हूँ, प्रोजेक्ट 1 भी रिलायंस में करीबन हमेशा लेता रहता था। तो ये सर सॉरी दोस्तों, कुछ रीजंस मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा था बीच में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ेंगे। तो ये आज के पूरे स्टॉक हैं जो मैंने ले लिए हैं, पांच स्टॉक। अब हम चलते हैं कि टोटल क्या परफॉर्मेंस है शेयर किए मेरे, राइट। तो ये पूरे पांच स्टॉक थे, ट्रांसमिशन 1, बेल 4, जीएमएम 1, आईडीएफसी 30 एंड रिलायंस 1। तो ये ओवरऑल है जो आज इस लिए हैं, और ये आप देख सकते हो ये पुराने हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये मतलब जो पहले लिए हुए थे वो सब हैं, और इसमें सब आपको पॉजिटिव दिखेंगे। मार्केट ने काफी अच्छा रिकवर किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट वीक। लास्ट वीक भी इस पोजीशन पे आया था, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं, तभी मैं कहता हूँ ना कि ऊपर नीचे चलते ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब नीचे जाए तो खरीद लेने का, जब ऊपर जाए तो आपको ठीक लग रहा है तो तभी खरीदने का। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जाएंगे GTT में कि हमने किस किस स्टॉक किस GTT लगा रखी है। देखोगे यहाँ पे तो अदानी इंटरप्राइजेस की लगा चुकी हूँ मैं, अपोलो टायर का लगा चुका हूँ मैं, एशियन पेंट्स का, एशियन पेंट्स और इंडस टावर आपने देखा था कि 9% के ऊपर है, तो इन दोनों पे मैंने 2% का नीचे डाउन करके लगाया हुआ है, 2% डाउन करके लगाया, यानी 7% करीब मुझे ये प्रॉफिट दे सकते हैं, करेक्ट 7%। आप बोलोगे कि 10% चाहिए 7%, तो मैंने GTT लगा दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको 10% पहुंचने के बाद वो तुरंत गिर जाता है, मैं 10% के ऊपर भी लगा के उसी समय बेच सकता था, बट कोई भरोसा नहीं होता, कई बार स्टॉक उसके ऊपर भी चले जाते हैं 12%, 14%, 15%, 16% जाके फिर रुकते गिरते हैं, तो बेटर है ना कि मैं 3% का लॉस समझ के नीचे लगा दूंगा, गिरा भी तो मेरा बिक जाएगा, मेरे पास कैश है उठा जाएगा, मैं फिर उसको दूसरे स्टॉक में लगा दूंगा, तो 10% के पास पहुंचते ही मेरा GTT होता है, या तो मैं उसको सेल आउट कर दूं या GTT लगा दूं, तो इसके कारण मैंने लगा दिया। अब ओवरऑल अगर आप जाएंगे मेरे कॉन्सोल पे तो ये 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ भी हाइड नहीं करना चाहता हूँ, मेरा रियलाइज प्रॉफिट है 500, नेट रियलाइज प्रॉफिट है -198, और मैं इसको ही देखता हूँ, मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा कि मैं इसको पा सकूँ, इसको अचीव कर सकूँ, और टोटल मेरे पोर्टफोलियो का नेट लॉस है -1.5 लाख, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं बेचूंगा तब तक ये ना घटेगा बढ़ेगा कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं नहीं बेचूं तो स्टॉक गिर रहा है तो गिरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेन फोकस यहाँ पे रहता है कि ये मुझे कैसे भी करके मुझे प्रॉफिट दे दे, ये प्रॉफिट में आ जाए। तो आज से मैंने ये भी शुरू किया है कि आपको भी दिखे कि मैं कितना बना पा रहा हूँ कितना नहीं बना पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ट्रांसपेरेंट रहने में, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देने में। 1 से 18 तारीख का है, तो अभी ये बढ़ता रहेगा, तो अब आपको ये पॉजिटिव ही दिखेगा, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं बंद कर देता हूँ, और आज हम चलते हैं किसी एक स्टॉक पे, हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं लोग, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, GTT के स्टॉक हैं, GTT वाले स्टॉक ने। तो ये है मेरा स्टॉक अदानी ट्रांसमिशन, एंड चलो IDFC फर्स्ट देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव था कि उसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो 1 मंथ में उसने 3% का रिटर्न दिया है, बैंकिंग ट्रैकर के हिसाब से CAGR 8.29% है, उतना अच्छा नहीं है बट बुरा भी नहीं है, और अगर साल भर का रिटर्न देखोगे तो -37% है, जो कि मेरा भी करीबन उतने ही है, 37% का लॉस है एक साल में। तो आप अगर ध्यान दोगे तो आप 30 अगर आज आप लेते हो तो आप उन लोगों से 37% आगे हो, लेकिन ठीक है उन लोगों से आपको आगे हो कि कोई फायदा नहीं, आपको तो अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए, जो कि 1% आपको 2% मिल रही है। हम टेक्निकल एनालिसिस पे इसके चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम देख पाएं कि क्या हो रहा है। IDFC फर्स्ट आज पॉजिटिव है, ROI FD नहीं है क्योंकि उसने ऑब्वियसली थर्ड नेगेटिव दिया है, तो ये कैसे हो सकता है ना, FD तो आपको उससे ज़्यादा दे देता, अगर आपने डिविडेंड रिटर्न का भी नेगेटिव है, एंट्री पॉइंट गुड दे रहा है ग्रीन जैसे मैंने आपको बोला था। अब हम इसको देखते हैं कि एक वीक में कितना गया है, माइनस है, 1 मंथ में 5%, यानी एक महीने में से 5% रिटर्न दिया,
1 ईयर में इसने कैसे दिया है। और मेरा फेवरेट पैटर्न यहाँ पे बनता है, हमेशा बनता है, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो इसका फेवरेट पैटर्न है ये कैसे। और ये थोड़ा बहुत तो रहता है, ये लोग बोलेंगे कि अरे यार तुम तो 40 है और यहाँ पे 49 है, तो आप देखोगे तो ये काफ़ी है, मतलब 15-20% का तक का फर्क आ जाता है कभी भी। अब यहाँ देखोगे ये नीचे है, ये आया फिर ये नीचे आएगा अभी, अब लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है। 5 ईयर्स का हम इसका रिटर्न देखें तो -46% है, कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम का हम देखेंगे इसका तो -52% है, बट यहाँ पे देखिए तो आपने शुरू फिर 66 से हुआ, नीचे गया 45, फिर यहाँ पे 76 गया, फिर ये देखिए आप नीचे से ऊपर नीचे करते हुए ये वापस नीचे ही आया और अब ऊपर जाके फिर से नीचे। और ये पैटर्न देखिए तो काफ़ी सिमिलर है। अब हम देखते हैं इसका एसआईपी का क्या हाल है। एसआईपी में ज़्यादा लॉस नहीं किया है इसने, अब जाके ये निगेटिव में गया है, बट अगर यहाँ देखोगे तो ये पॉजिटिव साइन है कि ऊपर उठ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने मान लो आपने विदड्रॉ कर लिया होता है आपकी एसआईपी को, तो आप 4,300 पे 7,000 रुपये करीबन कमा चुके होते हैं। तो ये है फाइनेंशियल, हम देखते नहीं हैं, पीस देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त यार कौन है। तो एचडीएफसी बैंक वेरी गुड स्टॉक, एसएससी, कोटक महिंद्रा एंड ये। तो एचडीएफसी बैंक तो आप बोल सकते हैं कि इनके सामने बहुत बच्चा है, क्योंकि एचडीएफसी, एसएससी और कोटक बैंक बहुत कर रहे हैं आज के टाइम पर। अगर आप सजेशन मेरा लेंगे कि किसको लेना चाहिए, तो अभी फिलहाल आप इस महीने के लिए जुलाई और अगस्त के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए। इनमें तो आप रेगुलर करते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्टॉक बढ़ाने चाहिए, 3-4 हैं आपके पास और किसमें बढ़ाओ, तो कोटक एक गुड ऑप्शन है एचडीएफसी के बाद। होल्डिंग्स में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, निगेटिव है पॉजिटिव है। हम जाते हैं टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग में, सेम है, थोड़े से घटे हैं 0.02 का। म्यूचुअल फंड हमने देखा था कि घटा है, म्यूचुअल फंड का उनका ट्रस्ट उतना नहीं है जो दिसंबर 2021 में था। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी देखेंगे तो वो घटे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो वो भी करीबन 1% के करीब घटे हुए हैं, यानी ये निगेटिव स्टॉक है। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि मैंने एचडीएफसी बैंक अपना एवरेज आउट करने के लिए आज ऐड किया है विद अ पॉजिटिव नोट। इवेंट्स फोरकास्ट में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। 36% 11 एनालिसिस ने काम किया, अगर इनेवल ने काम किया तो यानी कहीं ना कहीं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। उन 11 में से कुछ ने इनको पॉजिटिव बोला है, बाकी 39 ने। ओवरऑल उतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर आप जैसे मैंने बोला था कि अगर आप मुझसे बोलेंगे तो कोटक बैंक मैं बोलना चाहूँगा कि आप जरूर ले लें, लेकिन एचडीएफसी बैंक अगर आपके स्टॉक में निगेटिव पड़ा हुआ है, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो प्लीज़ एवरेज आउट कर लीजिए, अब सही टाइम है इसको एवरेज आउट करके प्रॉफिट बुक करने का। तो ये पूरा एनालिसिस था और मैंने ये कर लिया है, तो अभी चलते हैं, बस इतना ही था आज के टाइम पे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा नई अपडेट देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द न्यू आपका वैल्यूबल टाइम के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि मैं कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जगह है, और आप चाहते हैं कि किसी और चैनल से कंपेयर करके मैं उसके जैसा भी बनाऊँ तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम लर्निंग, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।